एक शुरू किया था जिसको मैं अभी भी यूज कर रही हूँ भी यूज करती रहूंगी प्रोडक्ट का तीन चार बार रिव्यू शेयर कर दिया है um, आप लोगों ने मेरे बहुत सारी विडियोज में भी देखा होगा ये वाला प्रोडक्ट प्रोडक्ट क्या है लेटमी शो यू द प्रोडक्ट ये है लॉरियल पैरिस का एक्स्ट्रॉर्डिनरी ऑयल सीरम ओ माई गॉड आई लव दिस प्रोडक्ट इसने मेरी पूरी हेयर केयर गेम को ही चेंज कर दिया मतलब इजी कर दिया है पहले मेरे बाल बहुत ही ज्यादा रफ रहते थे डल रहते थे ड्राईनेस रहती थी ये वाले एरिया में या फिर आप बोल सकते हो फ्रीजीनेस बहुत रहती थी और मैं मैं थोड़ा सा भी ऐसे कर लेती थी ना ऐसे कॉम को स्प्लिटेंट बहुत रहते थे पहले मेरे मैं पहले ऐसे कर लेती थी ना बाल इतने सारे टूट जाते थे अब आप देख लो आपको हेयर फॉल नहीं नजर आएगा बिल्कुल भी मेरे बाल नहीं टूटते मुझे बहुत ज्यादा पसंद आता है हमेशा बाल में शाइन रहती है आई लव दिस प्रोडक्ट अच्छा क्वांटिटी देखो आप गाइज हंड्रेड एम की बॉटल है चलता बहुत है ये एक और चीज़ है सिक्स मंथ से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ अभी तक आप देख लो इतना मैंने यूज़ किया है अभी भी ये फिनिश नहीं हुआ है क्योंकि ये थोड़ा लगता है और बेस्ट पार्ट क्या है कि हर एक हेयर टाइप को ये सूट कर जाता है मेरे तो ये फेवरेट प्रोडक्ट है गाइस आपको मैं हाईली रिकमेंड करूंगी आप इसको जरूर ट्राई करो इसके ना बहुत सारे यूजेज है मल्टीपल यूजेज हैं इसके शैम्पू करने के बाद आप कर सकते हो शैम्पू करने से पहले आप इसको यूज कर सकते हो या फिर आप आ, आ, कुछ भी हीटिंग टूल यूज करते हो तब आप यूज कर सकते हो इसको बहुत सारे इसके यूजेज हैं लेकिन आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ हीरो वन वे एक ही यूज शेयर करने वाली हूँ जो मेरा फेवरेट है ठीक है मुझे बहुत पसंद है ये वाला प्रोडक्ट अच्छा आई टेल यू वन मोर थिंग मुझे मेरे बाल में इंप्रूवमेंट तो नज़र आ रही है बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट हुई है मेरे बालों में मेरे मम्मा को भी नज़र आ रही है और मेरी मम्मा को लग रहा था कि तुम ऐसा क्या प्रोडक्ट यूज़ कर रही हो जो तुम्हारे बाल इतने अच्छे हो चुके हैं जो तुम्हारे बाल इतने हमेशा शाइन करते तुम्हारी हर एक वीडियो में तो फिर मैंने मम्मा को ये वाला प्रोडक्ट सेंड किया एंड माई मॉम इज लविंग दिस प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट को यूज़ करने से पहले और इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद आप मेरे मम्मा के बाल जरूर देख लेना बिफोर एंड आफ्टर में ओ माई गॉड ह्यूज डिफरेंस एंड माई मोमज लाइक थैंक यू सो मच तुमने इतना अच्छा प्रोडक्ट मुझे सेंड किया जिसको मैं हमेशा यूज करने वाली हूँ मैनेजेबल हो चुके हैं उनके बाल चलो आप पहले वीडियो देखो आपको लेट्स गाइज ये लॉरियल पेरिस एक का एक्सट्रॉडनरी ऑयल सीरम ये फाइनली इंडिया में लॉन्च हो चुका हैप्पी like so क्योंकि मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर्स को इसको यूज करते हुए देखा है और इसको पसंद करते हुए देखा है एंड सबसे पहले हम बात कर लेंगे इसकी बॉटल की आई लव द बॉटल मुझे इसकी बॉटल का कलर बहुत ज्यादा पसंद आता है गोल्डन कलर एंड इट्स वेरी रिच एंड लग्जूरियस वाली पैकेजिंग है इसकी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आती है एंड इसके अंदर है कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्स रेयर फ्लावर ऑयल्स लोटस टियारे रोज फ्लैक्स कैमोमाइल एंड सनफ्लावर जो आपके बालों को हेल्दी बनाता है और मैनेजेबल बनाता है इसकी पैकेजिंग जो है ना जो इसकी बॉटल है उसके आगे आपको पंप मिल जाएगा जो ईजिली आप अपने प्रोडक्ट को इसके साथ हल्का सा प्रेस करोगे तो प्रोडक्ट आराम से निकल जाता है ईज़ी टू यूज़ रहता है और ट्रैवल फ्रेंडली भी है अगर मैं सीरम की टेक्सचर की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा नॉन स्टिकी फार्मूला है लाइट वेट फार्मूला है एंड हल्की सी ना फ्रेगनेंस भी आते इसमें से तो मुझे ये चीज़ बहुत पसंद आती है क्योंकि मैं जब भी इसको अप्लाई करती हूँ ना मेरे बालों में से इतनी अच्छी खुशबू आती है चलो अब मैं देखो यहाँ पर शार लेके आई हूँ मैं आपको ना एक अपना तरीका बताऊँगी जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है हीरो वन वे मेरा तरीका है गाइस जब भी मैं शार लेके आती हूँ जब भी मतलब अपने बालों में शैम्पू करती हूँ उसके बाद मुझे वाले सीरम को यूज़ करना पसंद है सबसे पहले आप क्वांटिटी देख लो मैंने इतनी क्वांटिटी में इस सीरम की यूज़ कर चुकी हूँ एंड uh, आपने क्या करना है जस्ट थोड़ा सा सीरम आपने इस पम्प की हेल्प से बाहर निकाल लेना है पम्प की वजह से बहुत ईजी हो जाता है काम करना और थोड़ा सा सीरम लेके स्प्रेड कर लो अच्छी तरह से अपने हाथों में अप्लाई करने से पहले आप एक चीज़ का ध्यान रखो कि आपके बाल डैम्प होने चाहिए मतलब टॉवल ड्राई होने चाहिए हल्का हल्का से जितना एक्सेस वाटर होता है ना आप उसको बस रिमूव कर लो और हल्के हल्के गीले बालों के ऊपर आप इस सीरम को अप्लाई करो सीरम को जैसे मैंने अपना थोड़ा सा फैला लिया था अपने पाम के ऊपर ना आप उसको हल्का हल्का अप्लाई करो अपने बालों को बालों के स्ट्रैंड्स के ऊपर एक एक स्ट्रैंड्स के ऊपर आपके लग जाना चाहिए वर्क विथ योर फिंगर्स आप अपने फिंगर्स के साथ आप उसको स्प्रेड करो अच्छी तरह से हेयर uh, लेंथ के ऊपर आपने अप्लाई करना है मिड लेंथ से लेके नीचे तक लेकिन जो थोड़ा सा सीरम बच जाता है ना एकदम एंड में आपके हाथों के ऊपर जो थोड़ा सा बच जाता है उसको आप अपने ऊपर वाले बालों पे लगाओ आपने इसको रूट्स पे नहीं लगाना लेकिन ऊपर वाले बालों पे आप इसको जरूर अप्लाई करो इसको अप्लाई करते ना गाइस आई कैन फील कि मेरे बालों में ना शाइन आ जाती है फ्रिज फ्री हो जाते हैं स्मूथ हो जाता है सॉफ्ट हो जाता है मेरे बालों का टेक्स्चर और हेल्दी और नरिश्ड लगते हैं मुझे मेरे बाल एंड गाइस इस सीरम का सिर्फ एक पंप आपको इंटेंस न्यूट्रिशन देगा शाइन ऐड करेगा आपके बालों को साथ साथ में गाइस आपको प्रोटेक्शन भी देगा आपको ह्यूमिडिटी से प्रोटेक्शन देगा आपके बालों में से फ्रीजीनेस को हटाएगा आपके बालों को स्मूथ करेगा साथ साथ में आपको यूवी डैमेज से भी आपको बचाएगा हीट प्रोटेक्टेंट का ये काम करता है ये आपके बालों में से फ्रिक्शन को कम करेगा उससे क्या होगा आपके बालों में ब्रेकेज नहीं होगी हेयर फॉल नहीं होगा आपने देखा मैंने सीरम अप्लाई किया उसी समय मैं अपने बालों में कॉम कर रही हूँ नो हेयर फॉल नो no ब्रेकेज ये बिल्कुल लाइव है आपके सामने मैंने साथ ही सीरम अप्लाई किया और साथ ही मैं आपको कॉम करके दिखा रही हूँ गीले बालों में ना इतनी ईजिली कॉम करना पॉसिबल ही नहीं है अगर आप बिना सीरम के कॉम करोगे ना तो आपके बाल बहुत ज़्यादा टूटने लग जाएंगे एंड गाइस बेस्ट पार्ट ये है ना कि हर एक हेयर टाइप को सूट कर जाता है स्ट्रेट बाल हो कर्ली बाल वेवी बालों, बालों, बालों हर किसी को सूट कर जाएगा अगर आपने अपने बालों में हेयर कलर करवाया कैरेटिन ट्रीटमेंट ले या फिर ब्लीच करवाया है तो भी ये आपको सूट करेगा बहुत अच्छी तरह से आपके बालों को नरिशमेंट देगा मेरा आप आफ्टर देख सकते हो मैंने सीरम लगाया अपने बालों को ड्राई um, होने दिया एयर ड्राई होने दिया और उसके बाद गई मैंने हल्का सा अपना स्ट्रेटनिंग यूज़ की थी बहुत हल्की सी अब देखो मेरे बाल में बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट बिल्कुल आपके सामने हैं। पहले मेरे बाल कितने ज़्यादा फ्रीजी लग रहे थे अजीब से लग रहे थे um, थोड़े से अन अजीब ड्राइनेस लग रही थी मेरे बालों में अब आप देख लो uh, इतने ज़्यादा मॉइस्चराइज लग रहे हैं टू आवर्स फोर आवर्स एंड सिक्स आवर्स के बाद आप देख लो तो चलो अब करते हैं थोड़ा सा मम्मा के ऊपर ये अप्लाई मम्मा के बाल देखो ओम हाई गॉड इतनी रफनेस इतनी फ्रीजीनेस मम्मा के बालों में शी वॉज लाइक कि जब मैं सो के उठती हूँ ना तो मेरे बाल ऐसे होते हैं ये उन्होंने एकदम सो उठ के उन्होंने ये वाली वीडियो बनवाई है जैसे सो के उठो ना बेड के ऊपर कहते कि मेरे बाल बिल्कुल ऐसे लगते एकदम झाड़ू की तरह आ, मतलब इट्स लाइक सो बैड इन टेक्चर तो हेयर वॉश करने के बाद तो फिर मम्मा ने वाटर जितना भी होता है एक्सेस उसको रिमूव कर दिया अपने बालों में अभी अप्लाई करने वाले हैं लॉरियल पेरिस का एक्स्ट्राडिनरी ऑयल सीरम मेरा जो फेवरेट तरीका है इसको यूज करने का कि आफ्टर शैम्पू मम्मा ने भी बिल्कुल वैसे यूज़ किया कि आफ्टर शैम्पू उन्होंने थोड़ा सा सीरम ले लिया और अपने बालों के ऊपर हेयर लेंथ के ऊपर अपना अप्लाई कर रहे जैसे मैंने अप्लाई किया थोड़ा थोड़ा करके आप सीरम को अपने पूरे फिंगर्स के साथ अपने बालों के ऊपर स्प्रेड करो रूट्स पर आपने नहीं अप्लाई करना लेकिन आपने अपने पूरे बालों के ऊपर अप्लाई करना है ये मम्मा मेरे कॉन्टिन्यूसली सीरम को अप्लाई करे और आप एंड में रिजल्ट देखना था ओ माई गॉड इसको अप्लाई करते ना आपके बाल स्ट्रेट होने शुरू हो जाएंगे इसको अप्लाई करते आप देखोगे कि आप फिंगर्स के साथ ही अपने बालों को थोड़ा सा स्ट्रेट कर, कर लोगे बहुत आराम से अपने आप नहीं तो यूजअली आप गीले बालों में तो फिंगर्स भी नहीं डाल सकते आपके बाल ही बहुत ज्यादा टूटने लग जाते हैं स्टाइल करने के बाद आप देख सकते हो मेरे मम्मा के बाल ओ oh माई गॉड इट्स लाइक ह्यूज डिफरेंस इतना डिफरेंस ट्रस्ट मी गाइज मैंने ममा के बालों पर कभी भी नहीं पहले देखा ये सीरम अपलाई करने के बाद ना बाल इतने ज़्यादा सॉफ्ट लग रहे थे मैनेजेबल लग रहे थे शाइन कितनी एड हो गई लुक एट हर फेस एंड स्माइल शेज लाइक सो हैप्पी कि मुझे फाइनली एक ऐसा प्रोडक्ट मिल गया जिसको मैं अगर कहीं पर भी लाइक अगर स्ट्रेट करने हो मुझे बाल या फिर शैम्पू करने के बाद अगर मैंने कोई प्रोडक्ट यूज करना है सीरम तो देखो कितना बेस्ट रिजल्ट आता है आप देख ही सकते हो हर एक एंगल से आपको बाल दिखा रहे हैं okay, है। है। ट्रैक्चर था बहुत ही ज्यादा फ्रीजीनेस थी पहले लेकिन आप बाद में देखो बाल कितने ज्यादा हेल्दी लग रहे हैं मेरे मम्मा के बाल यूजुअली पतले है लेकिन पतले बाल भी कितने ज्यादा हेल्दी लग रहे हैं और यहाँ पे शाइन ऐड हो गई है बालों में डेफिनेटली मैं बोल सकती हूँ ये जो सीरम है गेम चेंजर की तरह है और टू आवर्स फोर आवर्स एंड सिक्स आवर्स के बाद आप देख सकते हो मेरे मम्मा के बाल एंड गाइस एक गुड न्यूज है आप लोगों के लिए छोटी वाली पैकेजिंग भी ब्रांड ने लॉन्च कर दिए इन जस्ट रूपीज टू हंड्रेड एंड नाइन्टी नाइन थर्ट एम की बॉटल है बड़ी वाली बोटल जो है ना हंड्रेड एम की वो फोर हंड्रेड एंड नाइन्टी नाइन रूपीज आपको मिल जाएगी बड़ी वाली बॉटल आप खरीद सकते हो घर पे रखने के लिए घर के यूज के लिए जो छोटी वाली बॉटल आप उसको ट्रैवल फ्रेंडली है तो आप बाहर अगर कहीं मीटिंग में जाते हो या फिर अगर आपने उसी समय अपने फ्लाईओवे को या फिर छोटे छोटे बालों को ठीक करना है तो आप छोटी वाली बॉटल को अपने साथ रखो एंड गाइज आप में से एक लव की विनर को मैं ये थर्टी एम की बॉटल दूंगी एज अ गिव अवे फटाफट से चैनल को आप सब्सक्राइब करो वीडियो को लाइक करो और कॉमेंट करके बताओ कि आपको ये वाला सीरम क्यों चाहिए आप अपने थ्री फ्रेंड्स को टैग भी जरूर कर देना तो चलो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय बाय लव यू परचेज लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाय बाय लव यू